हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका फिर से एक बार मीनाज के ब्लॉग में स्वागत है एंड आई होप दैट यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। सो आज जो है, आज मेरा वर्क फ्रॉम होम है। सो आज मैं पूरा दिन अपना ओरिएंटेशन जो है वो ऑनलाइन घर से ही अटेंड करने वाली हूँ। सो प्लीज़ गाइस स्टे विथ मी। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज वेदर कैसा है। लग रहा है थोड़ी थोड़ी सनलाइट आज होगी एंड आप देख सकते हैं कल जो स्नोफॉल हुई थी, वो सारा स्नो जो है, ये सारा वाइट वाइट जो दिख रहा है आपको एरिया, ये सारा स्नो है। अभी टेम्परेचर माइनस में है इसलिए अभी ये मेल्ट नहीं हुआ है। और आप नीचे देख सकते हो स्कूल बस है और सारे पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को छोड़ने के लिए आए हैं स्कूल बस में। तो यहाँ पर ऐसे स्कूल बस की सर्विसेज अवेलेबल होती है जो आपके बच्चों को घर तक लेने आती है और छोड़ भी जाती है। सो अभी आप लोग देख सकते हैं ऑलमोस्ट 9:15 बजने वाले हैं, 8:30-9:30 बज चुके हैं। सो अब मैं अपनी फर्स्ट कॉफ़ी प्रिपेयर करूँगी क्योंकि 9 बजे जो है वो मेरा ओरिएंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। अभी 9 बजने वाले हैं, सो मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ अपनी जूम मीटिंग को अटेंड करने के लिए। फ्रेंड्स, अभी 11:15 बज चुके हैं सुबह के और जो मेरा फर्स्ट 2 आवर्स का जो था ओरिएंटेशन वो कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे 15 मिनट्स का ब्रेक मिला है, उसके बाद मेरा अगेन दूसरा सेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो आज जो मेरा ओरिएंटेशन है वो ऑलमोस्ट 12 बजे तक का है, सिर्फ 3 घंटे का ही है। सो उसके बाद का जो टाइम है वो मुझे मेरे कुछ मॉड्यूल्स करने हैं, ई लर्निंग मॉड्यूल्स करने हैं, तो मैं वो करूँगी। सो अभी बस मेरे पास 10-15 मिनट का जो कॉफ़ी ब्रेक है वो है। सो यहाँ पर ये चने हैं, मैंने कल पूरी रात इसे पानी में सोक करके रखा था और आज मैं अभी इसे बॉईल करने के लिए मैं रख रही हूँ क्योंकि कल मैं आके इसे बनाऊँगी। कल मेरा इन पर्सन है तो मैं जाऊँगी, तो मैं शाम को लेट आऊँगी, तो मैंने सोचा मैं आज ही बॉयल करके रख देती हूँ। सो कल मैं आके ईजिली कुक कर पाऊँगी। फ्रेंड्स, अभी मैं लंच मेरा रेडी हो चुका है और अभी मैं लंच करूँगी। तो आज बस रोटी और उसके साथ दाल है और अचार है, तो आज यही मेरा लंच है। अभी जो है मैं भिंडी काट रही हूँ क्योंकि मुझे शाम के लिए अपना डिनर जो है वो बनाना है। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग भी कमेंट ज़रूर करना कि किस किस को भिंडी पसंद है। जब मैं इंडिया में थी मुझे भिंडी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, पर जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं खा लेती हूँ वैसे तो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी भिंडी जो है वो कट हो चुकी है और अब मैं रोटियाँ बनाने वाली हूँ। सो यहाँ पर आटा गूंदने की प्रिपरेशन जो है वो हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं रोटी के लिए आटा गूंद रही हूँ और जो भिंडी है वो मैंने एक्स्ट्रा ही कट की है बिकॉज मैं फ्राइडे को भी फ्राइडे के लिए भी मैं वो सब्जी जो है वो मैं बचा कर रखूँगी बिकॉज फ्राइडे जो है वो मुझे काम पर जाना है और सुबह में मैं 5 बजे से जाऊँगी और रात को मैं 10 बजे आऊँगी। सो ऑफकोर्स कोई भी सुपर वुमन होगी वो भी शायद रात को 10 बजे आने के बाद डिनर नहीं बना पाएगी।
सो इसलिए मैंने भी ऑलरेडी मैं बना कर फ्रिज में रख दूँगी, सो मैं फ्राइडे उसे यूज़ कर सकूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि कनाडा में लाइक लोग जो है वो ऐसे फ्रिज में रख के खाना खाते हैं, जैसे इंडिया में तो हमें आदत बिल्कुल भी नहीं थी, हम एवरीडे कुक करते हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, बिकॉज़ यहाँ पर लाइक स्पेशली फॉर लेडी, आप जॉब पर भी जाते हो और जॉब से आने के बाद आपको घर का भी सारा काम करना पड़ता है, खाना भी बनाना पड़ता है खुद से ही। सो यहाँ पर आपको कोई एडिशनल हेल्प नहीं मिलेगी, सो आप ही को सारा कुछ करना है। सो इसीलिए यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि कभी खाना और ये सब ज़्यादा बना देते हैं, ताकि वो फिर नेक्स्ट डे जब वो बिजी डे हो तब वो लोग यूज़ कर सकें। सो फ्रेंड्स, बस ऐसी ही है यहाँ की लाइफ कि आपके लिए डबल जॉब हो जाती है और आपको सारा काम खुद ही करना पड़ता है, कोई यहाँ पर आपकी हेल्प नहीं करेगा। सो सेम सिनारियो मेरे साथ भी है, रही हूँ और आटा गूंथते गूंथते सच में मैं गाइस थक गई। मेरे पास एक्चुअली आटा गूंदने का मशीन है किचन एड का, बट अभी मैं करंटली उसे यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही कम रोटियाँ बनानी होती है, इतनी ज़्यादा रोटियाँ मुझे बनानी नहीं होती है, तो उसकी वजह से मैं नहीं यूज़ करती हूँ। पर अगर जो एवरीडे 20 to 25 रोटीज बना रहा है, सो उनके लिए फॉर श्योर मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जो किचन एड का आटा गूंदने का मशीन है आप वो यूज़ कीजिए, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नहीं तो आप जो एवरीडे रोटियां बनाते हैं, जो एवरीडे आटा गूंथते हैं, आप उनसे पूछिए हाउ पेनफुल इट इज़। सो कुकिंग जो है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, सो मुझे लगता है हैट्स ऑफ जो एवरीडे कुकिंग करते हैं। यहाँ पर मेरी भिंडी जो है वो रेडी हो रही है। गाइस, मेरी भिंडी जो है वो बन चुकी है, वो रेडी हो चुकी है। इसे मैंने प्याज और टमाटर के साथ ग्रेवी में बनाई है। हाय फ्रेंड्स, तो आज का जो मेरा दिन है और आज का जो मेरा ऑनलाइन ओरिएंटेशन था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। सो अभी नेक्स्ट 2 days अगेन मेरा इन पर्सन ओरिएंटेशन है, और उसके बाद जो मेरा 3 week का जो ओरिएंटेशन टोटल है वो ख़त्म हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीक तो अभी यहाँ पर क्रिसमस है, तो मेरी भी कुछ क्रिसमस की 4-5 दिन की छुट्टियाँ हैं, एंड उसके बाद जो मेरी यूनिट में रेगुलर शिफ्ट्स है वो स्टार्ट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको मेरे कल के वीडियो में बताया था कि मैं हॉस्पिटल के अंदर क्यों वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती, तो उसके पीछे एक रीज़न है। जैसे डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अलग अलग पॉलिसीज़ होती है, सो एज अ एम्प्लॉई या एज अ स्टाफ जो हूँ मैं हॉस्पिटल के अंदर, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो ब्रीच होने के चांसेस है। मतलब आप कुछ भी ऐसा पोस्ट नहीं कर सकते सोशल मीडिया पर जिसकी वजह से पेशेंट की कोई भी हेल्थ इन्फॉर्मेशन है वो बाहर जाए। सो यहाँ पर फ्रेंड्स, जो भी पेशेंट की हेल्थ इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल रखते हैं ये लोग, कि किसी और को पता ना चले। सो इंडिया में क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं इंडिया में नर्स हूँ किसी भी जगह पर, और वहाँ पर मेरे पास 30 patients है, तो मुझे उन 30 patients के बारे में सब कुछ पता होता है कि किसकी क्या कंडीशन है, किसकी क्या मेडिकेशंस चल रही है और किसके क्या रिपोर्ट्स है। बिकॉज़ इंडिया में लाइक आप जनरल होते हो, 4-5 nurse होती है एक यूनिट में और वो सभी को केयर देती है। बट यहाँ पर जो होता है वो टोटली अपोजिट है फ्रेंड्स। यहाँ पर कैनेडा में क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी आज शिफ्ट है, सो मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल 30 out of 30 में से मुझे 5 patients दिए हैं उन्होंने। सो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं उन 5 patients की ही हेल्थ इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करूं, बाकी जो 25 है उनके लिए डिफरेंट नर्स होती है, वही उन्हें केयर करेगी। जैसे मेरे 5 है तो उन्हें टोटल केयर देने का जो राइट है वो सिर्फ मुझे है। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही होता है कि आप लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं नर्स हूँ तो उन 5 के अलावा किसी और की हेल्थ इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर सकती, मैं उन्हें देख भी नहीं सकती। अगर मैं ऐसा कर देती हूँ या कोई भी एम्प्लॉई, अगर कोई भी नर्स ऐसा कर देती है, सो हॉस्पिटल राइट अवे उसे फायर कर सकती है। देन आपका जो CNO जो है वो आपका लाइसेंस जो है वो आपका लाइसेंस भी कैंसिल कर सकती है, और आपके ऊपर लाइक लीगल जो है केस भी हो सकता है, वो लोग आपके ऊपर केस भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस इश्यू है और बहुत ही ज़्यादा ये लीगल इश्यू हो जाता है पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी। सो बस यही रीज़न है
एंड ऑफकोर्स एज अ नर्स लाइक आई लव माई प्रोफेशन और ऑफकोर्स आई डू केयर फॉर माई पेशेंट्स. मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि मैं मेरे पेशेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन है वो किसी के भी लाइक बाहर किसी के भी साथ में शेयर करूँ. ऑफकोर्स आई डोंट वॉन्ट दैट. एंड ऑफकोर्स एज अ नर्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट माई पेशेंट्स कॉन्फिडेंशियलिटी, सो उसे मेंटेन करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो फॉर श्योर आई लव माई प्रोफेशन एंड आई विल मेक श्योर ऑफ इट. सो बस गाइस आज के लिए इतना ही एंड आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मैं देख रही हूँ कि आप लोग मेरा वीडियोस देख तो रहे हैं पर उन्हें मेरे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज़ एंड आपको मैं ज़रूर मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी. सो तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी. थैंक यू.